भाइयों को राम राम। तो आज हम जा रहे हैं काम पे। काम पे मैं निकल गया पलासुर की तरफ, जाके देखा रास्ते में मजा लिया, जाके देखा तो साइड पे कोई नहीं था, 9 बज चुके थे। मैंने बोला क्या हुआ, मैंने फोन लगाया भाईजान को, भाईजान बोले भाई उनकी गाड़ी पंचर हो गई, जाके लेके आओ। आके देखा तो दो जन सामने मिले यहाँ पे और बुआ भी पीछे से आ रहे हैं। बुआ को पूछा मैंने क्या हुआ, तो बुआ ने पूछा गाड़ी पंचर हो गई। उसके बाद अपने असलम भाई मिले, तो मैंने बोला असलम भाई से मिल लेते हैं। असलम भाई को फोन लगाया, असलम भाई मिलने के लिए आए, असलम भाई से हाथ गीत मिलाए, बातचीत करी। हम गए पंचर वाले के पास, मैंने पंचर वाले को भैया को बोला मैं इनको लेके जाता हूँ, आप फटाफट पंचर जोड़ो। मैं इनको लेके निकल चुका हूँ साइट पे, रास्ते का मजा लेके सनरन टिर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  करके हम पहुँच गए साइट पे। जाके देखा टाइम तो 9:30 बज चुके थे। फिर हमने हमारा फावड़ा लगाया और चालू करा प्लास्टर करने से पहले का नज़ारा कुछ ऐसा है। फिर हम लग गए हमारे काम पे। लगभग दोस्तों 4 से 5 घंटे मेहनत करने के बाद एक बजे हमने फिर खाना वाना खाया और ये है प्लास्टर करने के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा है जो कि आपको सुंदर दिख रहा है। फिर खाना खा के हम भिड़े जो पैरापेट को प्लास्टर करने दोस्तों, तो लगभग टाइम हो गया, लग दोस्तों अभी 6:30 कब टाइम हो गया पता ही नहीं चला। फिर मैं 6 बजे वहाँ से निकला तो मैं घर आया लगभग 7:30 बजे। आया नहाया धोया और फिर खाना वाना खाया। मम्मी ने अच्छे खासे भिंडी चावल और भाजी बनाई थी खाना वाना खा के। मम्मी ने फिर दिवाली के जो लड्डू बनाए थे एक लड्डू खा के, और हाँ लड्डू खाने में मज़ा आ गया। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।